क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम शेट्टी है जी। 3 नंबर मस्जिद पे मेरी शॉप है, शेट्टी जनरल स्टोर के नाम से। अच्छा, स्टोर भी है, ठीक है। क्या हुआ था आपके साथ? रात को करीब 10:30 बजे करीब, जैसे ही हम शॉप पर आके लाइट वगैरह ऑफ थी, शटल डाउन करना था मुझे, जैसे ही मैं घर आने लगा, इतनी देर में 4-5 लोग गाड़ी में आए और उतर के मुझसे सिगरेट वगैरह मांगने लगे, बम मांगने लगे। मैंने कहा जब मैंने शॉप बढ़ा दी, बम वगैरह तो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, कहीं ना मिलते हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं, बम कहीं भी नहीं मिलेंगे। और मेरे पास जो है, अब मेरा घर जाने का टाइम है, बच्चे त्यौहार मनाना है, बच्चे पूजा के इंतजार कर रहे हैं, मैं सिगरेट भी नहीं निकाल पाऊँगा। सिगरेट मना करने पर उन्होंने गाड़ी में से उतर दी और मुझे मारना शुरू कर दिया। जैसे ही मारना शुरू किया, मैंने अपनी मिसिस को बोला आप मार नहीं सकते, कम से कम बचा जरूर सकते हो, आप मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लो। जैसे ही मोबाइल रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला, उन्होंने थप्पड़ मारना बंद कर दिया। पहले 2-4 थप्पड़ मारे उन्होंने मेरे को, ये आँख देखो मेरी, बहुत बुरी तरीके से मारा मुझे, ये देखो यहाँ पे भी सारा छिला हुआ है सारा, ये निशान देखो, भयंकर तरीके से मारा। और फिर उन्होंने जब मोबाइल देखा तो उन्होंने मारना बंद कर दिया और मोबाइल खींच के मोबाइल बंद कर दिया। उनको मोबाइल बंद कर दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। उनको ये नहीं पता था कि मस्जिद पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है, सीसी टीवी लगा हुआ है, उसमें सारी रिकॉर्डिंग आई हुई है, 1-2 आपको मारते हुए उसमें, मुझे मारते हुए मोबाइल बंद कर दिया उन्होंने हमारा। उसके बाद जो है उन्होंने हमें रोड पे घेर के 5 आदमी ने मिल के मारा, 4-5 आदमी थे और एक गाड़ी फ़ोन करके उन्होंने और बुलाई है। कब की बात है? दिवाली की बात है? ये 19 तारीख रात को 10:30 बजे की बात है, दिवाली वाली रात। तो पुलिस के पास गए आप? पुलिस के पास गए, रिपोर्ट करी, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। FIR दर्ज हुई है? नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया और ना कोई बात करने लिया। हमें डर लग रहा है कि हमारे साथ ये दोबारा वारदात ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे अनाथ हो जाए। उन लोग गुंडे टाइप के लोग हैं वो, और हमें उनसे डर लग, एक आदमी को जानते हैं हम, उनके साथ जो 4-5 लोग थे, त्रिपाठी करके है, पप्पू त्रिपाठी, हाँ उसको हम जानते हैं, उसके साथ 4-5 बदमाश थे टाइप के, फुल नशे में दारू पिए हुए थे, और हमें डर है कि ये आज कल में परसों में फिर दोबारा हो जाएगा, क्योंकि वो बदमाश टाइप के लोग हैं। उन्होंने क्या कहा मारते वक्त? मारते वक्त यही कहा कि हमारा राज चल रहा है यार, मारो साले को, देखा जाएगा, जो होगा जो हो तेरे पे कर लेना, अच्छा जो बन सके वो कर लेना, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है। शहर में राज चल रहा है या सरकार उनकी? उनकी सरकार ही उनकी है जी, कह रहे सरकार ही हमारी है, तुम जो कर सको कर ले। अब क्या चाहते हो? अब हमें डर लगा हुआ है जी, मेन चीज़ ये है, अब बाई चांस मैं नहीं होता, मेरी मिसिज दुकान पर होती है, अब तो मैं था, मैंने बीच बचाव कराने के चक्कर में बच्चों को बचा लिया, बाई चांस मैं नहीं हुआ, मिसिज अकेली हुई, तो कल को इसको भी मार सकते हैं। आप वहाँ थी उस दिन? हाँ जी, मैं। क्या हुआ, मतलब कैसे कैसे हुआ था? उन्होंने जैसे सिगरेट मांगी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप उनको जाके मना कर दो कि भी हमारे पास सिगरेट इस समय नहीं निकल सकती, तो मेरे हस्बैंड सिर्फ मना करने के लिए गए थे कि भाई साहब सिगरेट नहीं निकल सकती, बस इतना कहते हैं। जिसको जानते हैं ये उनसे बात कर रहे थे, दूसरा बंदा जिसको नहीं जानते वो गाड़ी में से निकला और उसने निकलते ही इनको मारना शुरू कर दिया। कोई जानकारी नहीं, और सर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप वीडियो बनाओ इनकी, और हमने वीडियो बनाई था, और उसके बाद उन्होंने हमारा मोबाइल, मैंने उसकी गाड़ी का नंबर वगैरह सब ले लिया वीडियो में, उसके बाद उन्होंने हमारी वीडियो बंद करवा दी, और बंद करवाने के बाद जो दूसरी गाड़ी बुलवाई थी उसमें से भी उन लोग निकले और उन सब लोगों ने मिलकर इनको मारा। आप उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई ठोस से ठोस की जाए, बदमाशी जो चल रही है, कल को हमारा अपनी जान का खतरा हो चुका है, हमारे बच्चे सेफ हैं, हम सेफ हैं नहीं है। अगर ये हादसा हमारे साथ दोबारा हुआ तो ठीक।